watch the tit-tat session of the Neena Cheema with the media. The actress talks about the storyline of the serial. So take a look at the video. हाथों से निकल गया है वो तो पहले से ही निकलाया था ना लायक औलाद अब तो हमने उसे धकेल दिया है निकल अपनी जिंदगी से हमने बोल दिया है कि जाने देते हैं उसे हाँ, कोई जरूरत नहीं है उसकी जरूरत ऐसे इंसानों की जरूरत नहीं है हम औरतें सब कुछ संभाल सकती हैं सबला नारी हम मौली को पूरा सपोर्ट करते हैं कि वो बच्चे को खुद पैदा करे खुद उसे बड़ा करे और हम हाँ किसी हम, मर्द की जरूरत की नहीं है। कमी नहीं हम उसे महसूस होने देंगे या इंशाल्लाह यस मौका मिलेगा बाकायदा आप फुलझड़ियाँ उड़ाएंगे बम छोड़ेंगे नहीं सचमुच के बम नहीं छोड़ेंगे पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेंगे अच्छा बहू भी आई है हमें नहीं पता है उसने शादी कर ली है कर ली तो लेके संभाले अपने आप ना मैंने तो यू आर गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्टेस्ट पड़सास इफ नंदिनी कम्स ओवर ना मतलब मेरे लिए बहुत जिंदगी अजाब की थी उन्होंने लेकिन उससे भी ज्यादा जिंदगी अजाब हाँ क्योंकि उसके आने से पहले ही मैंने मौली को कहा था कि जो फ्रेंड उसको दुख दे के गई थी तो वो दोबारा मिलेगी तो दुख ही देख के जाएगी और वो बात सच हुई तो अब मौली को किस तरह से सपोर्ट करने वाले बच्चा जन्म लेगा बेटी होगी तो कितनी खुशी होगी बेटी घर में आएगी लक्ष्मी अब लक्ष्मी है तो लक्ष्मी Yes. लक्ष्मी आने की किसको खुशी नहीं होती है और बेटियां वैसे भी बेटों से ज्यादा अच्छी होती है अब देख लिया ना बेटा बेटे को तो आपने देख लिया दागा दे के चला गया है ना गया दूसरी बेटी के पीछे ही है लेकिन दागा तो दिया ना बेटियां हमेशा दो घरों को बांधती जोड़ती है ये उनका काम है जो सही बेटियां होती हैं वो ऐसा ही काम करती हैं और हमारे बेटे जो है वो जहाँ पलते भरते हैं वहाँ से मुँह चुरा के निकल लेते मोस्टली देखा यही गया है सोसाइटी में उनके अंदर भी वो जज्बा होना चाहिए जो बेटियों में होता है इसलिए बेटियों को हम प्रेफर करते हैं वेलकम पाती रिपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट 9 वर्ल्ड